ट्रैफिक पुलिस की ओर से ट्रैफिक जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें एएसआई प्रदीप कुमार ने वाहनों पर स्टिकर लगाए ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी हो और अनमोल जीवन बच सके। मानयोग एसएसपी साहब के हुक्म अनुसार अज टैंक चौंक दे विच एक ट्रैफिक सेमिनार लगाया गया, जिस विच अज गड्डिया के स्टिकर वगैरह लगाए गए, टेप वगैरह लगाई गई, क्योंकि इस विच अजकल धुंधा के कारण रोड एक्सीडेंट सब बहुत वध रहे हैं, उन्होंने करके जरिया एसएसपी साहब हुक्म अनुसार जरा लगाया गया स्टिकर लगाए गए हैं, वो ये है कि जो धुंध के करके जी गड्डी जी साइड पर पार्किंग होंगी जो पिछू आने वाली गड्डी जरा वो दिखाई दे सके, जरिया अणसुखावे जरिया घटना तो आप बच सकी ही जरिया ट्रैफिक नियमों की भी ड्राइवरों इस ड्राइवर नियमों की जानकारी दी गई। तो आए उन्होंने कहा भी ट्रैफिक नियमों की पालना करो, क्योंकि जे रोड एक्सीडेंट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, भी अपना भी बचाओ तो अगले का बचाओ। जय हिंद। एसएसपी पठानकोट के दिशा निर्देश अनुसार अज ट्रैफिक एजुकेशन सैल के इंचार्ज प्रदीप कुमार राजकुमार मनजीत सिंह के सहयोग नाल अज असी टैंक वाले चौंक के जिन्हें भी गड्डिया है उन्होंने उत्ते स्टिकर लगाए है, जिस लिखा कि ट्रैफिक रूलों की वरतों करो, क्योंकि तुम सीधा जानते ही हो कि दिसंबर के धुंधा बड़िया पैदा, तो स्टिकर इसी करके लगाए जाते हैं कि गड्डिया का दूरों लोगों को पता लग जाए। और एक एक्सीडेंट भी बड़े ज़्यादा हो रहे हैं, लोगों अज जिते स्टिकर लगाया उत्थे लोगों ट्रैफिक रूलों की भी जानकारी दी गई है। ये सारे जिन्हें भी काम है एसएसपी पठानकोट श्री लांबा जी के निर्देशों अनुसार किए जा रहे हैं। मैं पठानकोट के लोगों को बार बार एको ही रिक्वेस्ट करना कि ट्रैफिक रूलों के उत्ते अमल करो ताकि असी एक्सीडेंट तो बच सकी। गड्डी तेज ना चलाओ, हैलमेट पा के गड्डी चलाओ, गड्डिया के कागज़ सारे अपने पूरे रखो ताकि असी आप भी बचिए तो लोगों को भी एक्सीडेंट तो बचा सकी। जय हिंद। जिला पठानकोट का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व कॉलेज, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। डेडिकेटेड कोरोना वार्ड, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, व्हाइट मेडिकल कॉलेज भुंगल नियर डीएलएम रिसोर्ट पठानकोट। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।